नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप TDS सर्टिफिकेट बैंक से लेना चाहते हैं तो उसकी एप्लीकेशन किस तरीके से देनी है। एप्लीकेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक रखा हुआ है, नहीं तो आपको ब्रांच के अंदर ये एप्लीकेशन मिल जाएंगी। आइए हम वीडियो देखते हैं कि किस तरह TDS सर्टिफिकेट के लिए हमें एप्लीकेशन देनी है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आप बैंक में जाते हैं 15G और 15H का फॉर्म भरने, तो उसकी एप्लीकेशन कैसे देनी है आपको बैंक में, उसका मैंने वीडियो बनाया हुआ है। आइए हम वीडियो देखते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से भरना है। एप्लीकेशन फॉर्म की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा TDS क्या होता है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, यानी स्रोत पर की गई टैक्स कर कटौती होता है। अगर आपके अकाउंट में ब्याज के रूप में कोई पैसा मिलता है या उन पैसों में कोई टैक्स लगता है या फिर कटौती होती है पैसों की, तो उसे TDS कहा जाता है। तो ये करने के लिए आपको मैं एक फॉर्म बताता हूँ, वो आपको लाना पड़ेगा। उसको बोलते हैं कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। ये SBI का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म होता है, या आपको अप्लाई करके बैंक में सबमिट करवाना होता है। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है, तो डेट जिस दिन आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाने जाए या सबमिट करवाने जाए, उस दिन के आपको यहाँ पर डेट लिखनी होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर आज की डेट लिख देना है जिस दिन आप सबमिट करवाने जाए। उसके बाद कस्टमर का नाम, जो भी यहाँ पर कस्टमर है उस कस्टमर का यहाँ पर आपको नाम लिखना है। उसके बाद अकाउंट से जुड़े हुए मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके, जो आपके अकाउंट से जुड़े हुए हैं। उसके बाद आपकी चेकबुक डायरी में जो आपके अकाउंट नंबर है वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसके बाद आपके जो ब्रांच है वो आपको ब्रांच के सामने लिखना है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है TDS सर्टिफिकेट की, तो इस पर आपको क्लिक करके इस कॉलम पर अपना साइन करके इसके पीछे आधार कार्ड की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की फोटोकॉपी लगाने के बाद ये फॉर्म आपको बैंक में जाके सबमिट करवाना होता है। तो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।